पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा का जो नियम है, परमात्मा का ज्ञान है, ये संसारिक विचारों के भिन्न होता है। और भगत और जगत का आपस में विरोध इसीलिए रहता है कि जो भक्ति के नियम हैं संसार के नियमों के विपरीत होते हैं। परमात्मा तो ये कहते हैं कि बेटा और बेटी में अंतर मूर्ख लोग किया करते हैं जिन कति ज्ञान नहीं। फिर भी हम जैसे भी पढ़ाई पढ़े हुए थे उसके आधार से ज्ञान सुना रहे हैं परमात्मा के पुत्र की इच्छा में, और आशा रखते हैं कि पुत्र हो पुत्री हो जाती है। दूसरी फिर इच्छा करते हैं भगवान इब के तो पुत्र हो ही हो, वो भी बेटी होगी और तीसरी भी बेटी होगी, चौथी भी पांचवी भी, और पुत्र हुआ ही नहीं। जैसे हम सुना करते थे कि भाई उसके 4 एकड़ जमीन थी, इब के उसने 16 एकड़ बना दी अपने जीवन में, खुद मेहनत करी तो हुआ, क्या दूसरे मेहनत नहीं कर रहे थे, वो भी तो इसी तरह मेहनत कर रहे थे, उनको कुछ भी ना मिला। तो जो आपको मिल रहा है आपका पूर्व जन्म का संस्कार प्रारब्ध आपके भाग्य में लिखा हुआ है, ना तो आपका चाया हुआ है ना आपका किया हुआ। जैसे उनको पुत्र की इच्छा थी, ना उनका चाहा हुआ ना उनका किया हुआ, वही हुआ जो प्रारब्ध में लिखा हुआ था। तो परमात्मा ये याद दिलाते हमारे को कि आप जी ने जो करना चाहिए था इस मनुष्य जीवन से, वो तो स्टार्ट भी नहीं किया और खो दिया अनमोल जीवन। अपने आत्माओं, जिस समय हम सत्संग में आते हैं ये ज्ञान होता है, तो फिर हमारी दशा ऐसी होती है जो पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। कैसी होती है? एक किसान था और वो बाजरे का रुखाला था, बाजरा बोते हैं तो उसके लिए एक मंच बनाते हैं ऊंचा, उसने डामचा भी कहते हैं उसको, जोंडा भी कहते हैं, मचान भी बोल देते हैं। तो वो उस मचान के ऊपर खड़ा होकर के गोफिया बनाता है, गोफिया उसमें एक डला डालकर और उसको ऐसे फटकार कर फेंकता है, चिड़ियाओं को पक्षियों को उड़ाता है जो बाजरे की बालियों को हानि पहुंचाती हैं। तो उस आवाज़ से और डले की आसपास गिरने से वो चिड़िया भाग जाती हैं उस खेत से। तो उसके लिए किसान क्या करता है, छोटे छोटे मिट्टी के गोले बना लेता है और उनको रख लेता है अपने मटके में सुखा के, फिर उनको ऐसे गोफिए से फटकारता रहता है, जैसे गिलोल टाइप होता है। एक बार वर्षा घड़ी होगी, उसके सारे गोले भीज गए। एक साथ में छोटा सा टिल्ला था, ऊंचा सा पहाड़ टाइप था, छोटी पहाड़ी सी, उसने सोचा चल वहाँ से पत्थर उठा लाता हूँ, 1 किलोमीटर की दूरी पर था, छोटे छोटे पत्थरों की तलाश में वहाँ गया। तो उसने क्या देखा कि पानी से मिट्टी कट जाने से
बड़े सुंदर गोल गोल से घने वो पत्थर से मिल गए उसने, चमकने से, वो ले आया, 20-30 थे वो, उसका काम चल गया। तो वो लाया था वहाँ से, वो चमकने से पत्थर गोल गोल से इतने मोटे मोटे 200-250 ग्राम के, जो उसके लिए बहुत सूटेबल थे। उधर से उसकी पत्नी छोटे से बच्चे को लेकर, उसकी रोटी लेकर खेत में गई, तो क्या किया, बच्चे ने वो पत्थर उठा लिया एक, जो चीकना चमकना सा था, वो खेलता खेलता उठा लिया। उसकी पत्नी घर आ गई, उसको खाना खिलाकर बच्चे को ले आई, बच्चा उसको हाथ में ही ले आया। अब उसकी पत्नी ने कुछ सामान लाना था, उसने सोचा ये पत्थर है और दुकानदार को दे देती हूँ, और नीतीश का कोई बट्टा बना लेगा अपना बाट। उस पत्थर को लेकर वो सेठ के पास गई गांव में, उससे कहने लगी, जी ये आपका कोई काम आवे तो ये देख लो, कुछ मुझे इसका बदले में दे दो, जो दे सकते हो, नमक मिर्च कुछ दे सकते हो तो आपका ये काम आ जाओगा, बट्टा बना लो। उसके पास बैठा था उसका रिश्तेदार, वो जोरी था, वो तो तुरंत देख गया कि वो तो भाई पत्थर को नहीं लाल है। तो सेठ बोला, भाई ये तो लाल है। तो उसकी पत्नी, उस किसान की पत्नी से सेठ ने कहा, बहन कि क्या सामान लेना चाहती है, दे दो जी जो दे आपकी मर्जी। अब ठीक है, 20 मन तो बाजरा, यानी बाजरे की बोरी दे दी, 5-7 शक्कर की, गुड़ की, कई आइटम उसका घर भर दिया। अब वह राजी हो रही, ठीक बढ़िया, तो पागल हो गया लाला जी, तो मेंटल हो गया, धरने दे मेरा क्या आंट लगे, उसने भर दिया। तो वो किसान आया सामने, वो देखा घर की तरफ, ये कहाँ से लाई तू, कैसे ऐसे जो एक बट्टा सा था लड़का ले आया, और मैं गई थी ऐसे ऐसे भी सेठ को दे दूंगी, अपना बाट बना लेगा बट्टा। मैंने कहा उससे, जी दे दो जो देना हो इसके बदले, छोटा मोटा आइटम सोचो थी, नमक मिर्च दे देगा। उसने तो ये कहा कि ले जा बहन, ये तो बहुत कीमती है, पत्थर नहीं है। और उन नयू घर भर दिया, इतना सामान दे दिया। अब उसने क्या किया कि उन पत्थरों को, लाल थे वह, उसके पहचान में नहीं आई, उनको ऐसे वो गिलोल में डाला गोफिए में और ऐसे फटकार दिए। साथ में नदी थी, दरिया बह रही थी। अब उस सारे के सारे उदरिया में पड़ गए वो, उसका तो अपना मतलब था कि इतने पड़ो पत्थर हैं लेकिन चिड़िया उड़ जाओ। वो कहने लगा, अरे तेरा गजब भैयो, ये तो मेरे पास तो 30-40 थे और एक की ही इतनी कीमत, मैंने तो वो सारा नाश कर दिया, बर्बाद कर दिए वो कीमती बिना ज्ञान। तो पुण्यात्माओं, इस मनुष्य जीवन के जो श्वास हैं आपके, ये इतने कीमती हैं, जिनको बगैर ज्ञान के, बगैर सत्संग के, हम ऐसे उस भोले किसान की तरह इसका नाश कर रहे हैं। और जिसमें आपकी आत्मा के अंदर ये तत्व ज्ञान समावेगा, आपके पीछे गया हुआ जीवन घना याद आवेगा, पछताया करोगे, बैठ कर रोया करोगे कोन में, ये क्या करे हमने सारे जीवन में, डले डोए। पुण्यात्मा, मनुष्य जीवन दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो एक विधान बनाया है कबीर भगवान ने इस काल के लिए, क्योंकि विधान बनाकर भी काल ने इसको दिया, नहीं तो ये हमारी घनी दुरुक्ति कर देता। और कई भक्त मन में शंका लाते हैं, जैसे सृष्टि रचना के अंदर बताया गया है कि इस काल ने गलती कर दी थी ब्रह्म ने, जिसके लोक में हम रह रहे हैं, और इसने दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था और दुर्गा ने इसके पेट में शरण ली थी। तो परमात्मा ने इसके पेट से दुर्गा देवी को निकाल कर इसको श्राप दे दिया था कि तू श्राप समझो कि ऐसी गलती वहाँ करने वाले को एक रोग लग जाता है,
ऑटोमेटिकली जैसे कोई अखाद्य वस्तु खा लेता है तो वो अपना अफेक्ट करती ही करती है, शरीर में फोड़े बन जाते हैं या कोई और हानि हो जाती है। ऐसे इसने वहाँ जो गलती की, उस गलती के कारण इसको एक रोग लग गया कि उस परमात्मा ने विधान बना रखा था कि ऐसी गलती करेगा उसको ऐसी सज़ा मिलेगी, 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का और 125,000 की उत्पत्ति करने का। और परमात्मा ने इसको यह सज़ा दे दी। कई भक्त ये सोचते हैं कि परमात्मा ने सज़ा नहीं देनी चाहिए थी इसको, ये मनुष्य जीवन के आहार करने की। तो पुण्यात्मा वो जानी जान हैं परमात्मा के विधान में, परमात्मा की क्रिया में। यदि हम कोई त्रुटि निकालते हैं तो हम अनजान ही हैं, परमात्मा जो करता है वो कभी गलत नहीं कर सकता। यदि इसको ये 100,000 मानव शरीरधारी खाने की ना सजा मिली होती तो ये हमें एक भी मनुष्य जीवन नहीं देता। आप देख रहे हो 84,00,000 प्रकार की अन्य प्राणियों में ठोक रखी ये जीव सारे, और ये भी ना देता यो, क्योंकि मनुष्य जीवन आपको अवश्य मिलेगा। मालिक ने ऐसी विधान बना दिया और मनुष्य जीवन मिलेगा तो परमात्मा आकर आपको अपने निज घर का स्थान का ज्ञान भी करा सकते हैं, भक्ति देकर के आपको वापस भी ले जा सकते हैं। परमात्मा ने विधान बना रखा है इसके लिए, इसकी मजबूरी होगी या एक मनुष्य जीवन हमें देने की इसकी व्यवस्था बनगी, इसलिए ये हमें एक मानुष जीवन अवश्य देता है। चाहे कितना ही निकम्मा और पापी व्यक्ति हो, मनुष्य जीवन उसको एक अवश्य मिलेगा। कब? अब जैसे दास जो बताना जा रहा है, दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होते हैं। एक तो टर्न वाइज, एक विधान बना कर दे दिया पर इसकी मजबूरी बन गई है कि टर्न वाइज यानी 84,00,000 योनियों के इन सब कष्टों को भोग कर, अपने सब पाप कर्मों का दंड भोग कर इस प्राणी को एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है। वो कितने वर्षों के बाद मिले, 1,00,000 वर्ष के बाद मिले, 1,000 वर्ष के बाद मिले, वो उसके संस्कारों और पुण्य पापों पर निर्भर है। और दूसरी प्रकार से मनुष्य जीवन मिलता है पिछले पुण्य संस्कारों से, जैसे पीछे भी मनुष्य थे और आगे भी मनुष्य ही बन जाते हैं, वो पिछले पुण्यों के कारण उनको मनुष्य शरीर लगातार कई कई भी मिल जाते हैं। जैसे कथा आती है, धृतराष्ट्र जी अंधे थे, उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मुझे अपने 100 वर्षों की तो पिछले जन्मों की याद है कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिससे मेरी आंखें फूट रहे, अंधा हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अभी कौन से 100 जन्मों में ही काम पूरा हो गया, और पीछे देख, तुझे नहीं दिखता तो मैं दिखाता हूँ। अपनी शक्ति से उनको दिव्य दृष्टि दी और 101वां जन्म उससे पहले का वो क्या कर रहा है कि बैठा बैठा ये टिड्डी होती है, एक टिड्डी विवश हुई पड़ी थी और उसकी आंखें फोड़ रहा था बबूल के कांटों से, और ऐसे उसकी आंख में ठोक रहा था वो कांटा और निकाल रहा था और खुश हो रहा था, और फिर दोबारा ठोक रहा था फिर खुश हो रहा था, फिर दूसरी में भी ऐसे, और फिर वो टक्कर मार मार के उड़ रही थी जब खुश हो रहा था देख रहा था। कहने लगा देख ये फोड़ रखे कर्म तने। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमारे बहुत कर्म बिगड़े हुए हैं। तो एक तो टर्न वाइज यानी अपने समय पर मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, और एक ऐसा होता है कि पिछले जन्म में भी वो मनुष्य था और अब भी मानव है। तो जो ऐसा जिसका जन्म है पीछे भी मनुष्य था और हो सकता उससे पीछे भी मनुष्य हो, 10-20 लगातार भी मनुष्य जीवन मिल सकते हैं पुनों से, लेकिन जब तक परम संत नहीं मिलेगा वह पिछली बैटरी डाउन होएगी। वह एक जन्म में भी हो सका है, 2 में भी 3 में भी 4 भी प्राप्त कर सकता है, और फिर इकट्ठा एक कैर तोड़ देगा ये काल उसके ऊपर।
84 लाख योनियों में डाल देता है। यदि मनुष्य जीवन के अंदर उसको कोई सत मार्गदर्शक संत नहीं मिलता है तो पुण्यात्माओं जिनको पिछले मनुष्य जीवन से ही आगे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो वो प्राणी परमात्मा की तड़फ में बचपन से ही लग जाते हैं। वो भिन्न बात है कि वो कैसी साधना करते हैं, जैसे भी मुझे धर्म में वो जन्म लेता है तो वो आत्मा भगवान की भक्ति बिन रह नहीं सकता, वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी है तो वो तो अवश्य कहीं ना कहीं कोई भक्ति कर रहा है, वो रुक नहीं सकता। वो दूसरी बात है कि उसको कैसी साधना प्राप्त है और वो लाभदायक है या हानिकारक, वो तो फिर संत बताया करें। फिर भी वो पुण्यकर्मी प्राणी जैसे इन संतों के पास गए हुए हैं, ये राधा स्वामी पंथ, ये जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा पंथ और जगमालवाड़ी दनोद वाला ये ताराचंद पंथ और ये सारा जो है ब्यास वाला और ये सुधांशु जी और ये सतपाल वाले, ये बालयोगेश्वर या सारा मर, देख कितने जीवों को अपने पीछे लगाई हुई है। ये वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं जो मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन प्राप्त है और ये पुण्यात्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। चाहे इन्होंने रखना पड़े मंगलवार का व्रत और बांटनी पड़े बूंदी, ये नहीं कुछ कर लेंगे इतनी संतुष्टि नहीं होती। तो बगैर ज्ञान के, बगैर बिना किसी संत के ये साधना भी व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि होती है और न ही उनकी कोई मोक्ष प्राप्त होता है, गति होती है। तो यूजलेस, इसलिए कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से काम भक्ति के करने चाहिए कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है, उन्हीं के आधार से तू क्रिया करना, किसी की दंत कथा से भक्ति मार्ग पर ना लगना। यानी जो संत सदग्रंथों के आधार से ज्ञान दे वही ज्ञान सही मानना। तो पुण्यात्माओं जितने भी हमारे धर्मगुरु थे और हैं सभी यही कहा करते, हम वेदों और गीता और पुराणों के आधार से आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो सब संतुष्ट थे, इनसे आगे कोई ग्रंथ नहीं, इनसे आगे कोई पवित्र शास्त्र नहीं, इन्हीं से ये हमें बता रहे हैं तो फाइनल है, बिल्कुल सच है। लेकिन वह झूठे थे, वो अज्ञानी थे, तत्व ज्ञानहीन प्राणी थे जिनने हमारे सदग्रंथों को भी नहीं जाना और हमें लोक वेद दंत कथा सुना के जीवन नाश कर दिया। अपने आत्मा जो प्राणी टर्न वाइज आता है, मनुष्य जीवन प्राप्त कर रखा है उसने, वो भक्ति पर नहीं लगता, उसको कितना कोशिश करो वो नहीं सुनता, वो तो गुट्टी लाना अपना कोई कर्म है उसको प्राप्त है, जिस भी जैसे कोई किसान है, मजदूर है या कोई दुकानदार है तो वो केवल उसी कर्म में ही लगा रहता है, क्योंकि वो पिछले जन्म से किसी पशु योनि से आया हुआ है। तो इस प्रकार के प्राणी को भक्ति पर लगाना बड़ा कठिन होता है। और जो पिछले संस्कार से मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं वो तो आपे ही तड़फ रहे हैं, भटक रहे हैं भगवान के लिए, तो वो शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं इस ज्ञान को। अब उनको अज्ञान मिलता है उसको भी तुरंत ग्रहण करेंगे, क्योंकि उनको तो भगवान चाहिए। और वो बुद्धिमान लोग होते हैं जब तत्व ज्ञान सच्चा ज्ञान भी सुनते हैं तो अवश्य विचार करते हैं, विरोध नहीं करते, वो बहुत गहराई से सोचते हैं कैसा क्यों कहा, किस कारण से कहा, गहराई तक जाते हैं और वो अपना कल्याण करवा ही लेते हैं। ऐसे ही एक कागभूषण नाम के एक महात्मा हुए हैं और गरुड़ जी के साथ उनकी एक बार गोष्ठी हुई, आपस में दोनों मिल गए। गरुड़ जी कौन है, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पक्षी। अब ये देवता होते हैं और ये बोलते हैं मनुष्य की तरह, इनके अच्छे विचार हैं, भले ही वहाँ पशु योनि में है वो पक्षी योनि में, और
कागभूषण भी ऊपर से मुंह काग का है, उसका कौवे का, बाकी शरीर उसका देवताओं जैसा है, ऐसी उसकी व्यवस्था है। तो जब वो अपनी कथा सुनाता है, गरुड़ जी ने पूछा, हे कागभूषण, आप के पास बैठने से मुझे बड़ी शांति होती है और आप परमात्मा के भजन में दिन रात लगे रहते हो, आपने ये स्थिति, ये गति कैसे प्राप्त की? अब कागभूषण ने कहा कि गुरुदेव, मेरी लंबी कहानी है, समय हो तो सुनाऊं। गुरुड़ जी ने कहा कि आप सुनाइए, मैं सुनने का, जानने का इच्छुक हूँ। तो कागभूषण जी सुनाने लगे कि गुरुदेव, एक बार मनुष्य जीवन था मेरा, और उससे पहले भी मैंने असंख्यों मनुष्य जीवन नष्ट कर लिए थे, कभी भक्ति पर मैं लगा नहीं। एक समय क्या हुआ कि हम दो बहन दो भाई थे, मेरे माता पिता थे, एक भरा पूरा परिवार था, और एक ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा, यानी अकाल गिर गया, वर्षा हुई नहीं, अन्न का अभाव हुआ, पत्ते भी वृक्ष भी सूखने लगे, तो ऐसा भयंकर स्थिति आ गई कि मनुष्य को मनुष्य खाने लग गया, सब वृक्ष भी खा लिए, पत्ते भी खा लिए, कूट कूट के बाड़े भी खा चुके, मनुष्य को मनुष्य खाने लग गया। उस स्थिति में मेरे माता पिता और भाई बहन, यानी मेरा परिवार, सब मेरी आँखों के सामने मर गए। मैं 20 वर्ष की उम्र का था, भाई छोटे, बहन छोटी थी, वो भूख ज़्यादा समय तक सहन नहीं कर सके, माता पिता वृद्ध थे, वो भी मृत्यु को प्राप्त। अब मैंने भी वहाँ से निकल कर अपनी जान बचानी चाहिए, तो मैं अवंतिका नगरी में चला गया। वहाँ पर अकाल नहीं था, वहाँ पर मेरी जान बची, भोजन खाया, लेकिन मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन मेरी आँखों के सामने तड़प तड़प कर रो रो कर मरे थे भूखे। उस स्थिति से मैं बहुत दुखी था और ये सोचा करता था, हे परमात्मा, ये के जीवन हुआ? कल तक तो देखो, हम कितने ठाठ से भाई बहन माता पिता के साथ प्यार से रह रहे थे, आज मेरा सारा नाश हो गया, ये क्या हुआ? क्योंकि इंसान जब घना दुखी होले है, तब उसने परमात्मा का आश्रय दिखाई देता है। एक मंदिर में एक शिव का भक्त ब्राह्मण कथा कर रहा था, तो मैं वहाँ जाकर बैठ गया कि यहाँ कोई रोटी टोक मिलेगा। ब्राह्मण कथा कर रहा था, सभी उठकर चले गए, मैं बैठा रह गया। ब्राह्मण ने पूछा कि आप कैसे बैठे हो बेटा, मेरी आँखों से आंसू गिरने लगे। ब्राह्मण बड़ा दयालु था, उसने कहा, क्यों रो रहा है बेटा, बता अपना दुख बता। मैंने सारी कहानी बताई ब्राह्मण को। उसने कहा, बेटा तू मेरे पुत्र वत है, मेरे पास रहे, इस मंदिर में सेवा कर, रोटी खा, चिंता ना कर। बेटा यहाँ तो पता नहीं क्या क्या आपताएं मनुष्यों पर आती हैं, और तुम्हारा संस्कार था, उनका इतना ही समय था, तो काफ़ी संतुष्ट मुझे किया, मैं वहाँ रहने लग गया। अब वो विपर प्रतिदिन कथा करे भगवान की और मुझे कहे, बेटा दीक्षा ले ले, भक्ति कर ले, और मेरे मन में कति इच्छा नहीं हो नाम लेने की, मैं टाल मटोल कर दूँ जी, फिर देखूँगा। अब कागभूषण जी बता रहे हैं गुरुड़ जी को कि ऐसे 6 महीने बीत गए, रोज़ कथा सुनूँ, बैठा रहूँ, कति हृदय में बातें नहीं आवे, अग नाम ले लूँ, दीक्षा ले लूँ। 6 महीने तक जब ये कथा सुनता रहा, और विपर मेरे को प्रतिदिन दूसरे तीसरे दिन कह देता, बेटा देखो मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, इसके बिना तो पशु जैसा जीवन है, और देखो यहाँ क्या क्या घटनाएं घट जाती हैं, ये झूठा संसार है। जबकि मेरे इतनी चोट लग चुकी थी, मैं इतना पापी था, ये कह रहा था कागभूषण कि मैं इतना निकम्मा आदमी था, मैंने असंख्यों जन्म मनुष्य जीवन बर्बाद कर चुका था मैं, और
छह महीने तक लगातार सत्संग सुनकर तब मेरी आत्मा में जगह बनी थोड़ी सी, एक दीक्षा ले लूं। छह महीने के बाद मैंने दीक्षा ले ली, फिर क्योंकि ये पिछले जो पाप हैं ये कहीं ना कहीं दबाव दे ही जाते हैं। जो गुरुजी कथा किया करते थे, सत्संग सुनाया करते थे, वो मुझे भी याद हो गया। अब गुरुजी अपना घर चले जाते थे, मंदिर में सत्संग आदि करके, फिर बाद में भी भक्त आते रहते थे, तो मैं कथा सुनाने लग गया उनको, और मेरी आवाज़ भी बढ़िया गुरुजी से, क्योंकि मैं युवा था, वो वृद्ध हो रहे थे 50-60-70 साल के, और वही कथा वो सुनावर मैं अच्छा लतीफेदार ढंग से गा गू कर खूब बढ़िया सुनाने लगे। तो जो आने वाले श्रद्धालु थे उनकी आस्था मेरे में घनी होगी और मेरी प्रशंसा करें, अको हो आपकी तो बड़ी गजब की आयु आवाज़ है, आप तो कोयल सी बोलती है, वाह वाह वाह, हृदय में लगती है। श्रद्धालु तो श्रद्धालु ही होते हैं, राम की कथा कोई सुना दे अच्छी लगती है, और कोई गा गू का ढोलक ढालक बांध कर सुना दे और ज़्यादा, क्योंकि कान का विषय प्रबल है। पुण्यात्माओं इस प्रकार यो जीव मार खाता है। अपुण्यात्माओं जैसे कई भक्त अनजानपणे में कहते हैं, जैसे दास पहले देखा करता था, ये कबीर पंथी विशेष कर क्या करते हैं, एक तारा लेकर के गाते हैं परमात्मा की वाणी शब्दों को, और बड़े सुरीले सुर में गाते हैं, बड़ी लय से गाते हैं। कोई तो फिल्मी गानों पर भी तबले तबले बांध कर परमात्मा की वाणी सुनाते हैं, और फिर क्या कहते हैं, भाई इसकी आवाज़ बहुत बढ़िया है, भाई तो सुना, वो दूसरे को बैठा देते और उनको खड़ा कर देते। दूसरा कहता है इसकी और सुन दो बोल, देख यू क्या सुनाएगा, वो तीसरे ने खड़ा कर दिया, वाह भाई वाह इसकी और गजब की आवाज़, तू सुना भाई। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं ये तो शराबी होते हैं ना, शराबी वो करा करें ऐसी बातें, इसकी आवाज़ बढ़िया है, इसकी आवाज़ घटिया है, कोई बात है। अब जैसे किसी का चोरी होगी और एक व्यक्ति ने आके कहा कि भाई आपके घर में चोरी हो गई है, यदि उसने कोई भांग या शराब नहीं पी रखी होगी तो इतनी बात पर्याप्त है, और जय उसने कर रखा हो नशा, और उसको कोई कहे कि आपके घर पर चोरी होगी, और वो नो कहे चोरी होगी भाई आपके, अब वो न्यू कहे न्यू नहीं गा के सुना, वो कितना अच्छा लगेगा, आपके चोरी हो गई, ये बात तो उसे कहता भी अच्छा ना लगा आदमी, और वो इन्हों का हाँ वाह 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 इसलिए सही बताई, दूसरा और ऐसे क्यों शराबी ये गा सके, शराबी ये बातें कह सकता है, तो दूसरा शराबी फिर और अच्छी तरह लय से गाता है, आपके चोरी हो गई, और आह वाह 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 क्या बात की, इसने सही बताई, अरे मूर्ख यदि इतना बतेरा था कोई किसी भाषा में समझा दे भाई चोरी होगी आपके घर में, जब हो समय हो तो तुरंत फटक ले आदमी और उठ कर चल पड़े जाके देखो कितना नुकसान हो गया, और कोई ना कहे इसकी आवाज़ बढ़िया नहीं इसकी बढ़िया लगी है, तो ये दोनों शराबी हैं वो, यानी अज्ञानी हैं मूर्ख हैं। अरे इतनी सी बात, परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गया कुछ ना हाथ लग्या रे, और कुकर सुकर खर बोरे कौआ हंस बुगारे, कोट जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षकों के दर दर घूमा ये मिला ना निर्गुणा सा। जैसे एक बहन का इकलौता पुत्र मर गया, और वह जो रो रो के पद्य भाग की तरह बोल रही थी, हे बेटा अब मेरा क्या होगा, तो वो गा नहीं रही थी वह रो रही थी। तो संतों ने जो ये शब्द बनाए हैं ये हमारे लिए इसलिए बनाए हैं कि जब आदमी रोते हुए गाता है उसका असर न्यारा होता है, और उसको सिंपल वे में भी बोला जा सकता है कि यूँ सौदा फिर ना ही संतो, ये सौदा फिर ना ही, ये लोहे जैसा ताव जाते काया देश राही, तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन हो मूल गवाही। फिर क्या बताते हैं कि
योदम टूटे पिंडा फूटे लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरी जम पकड़ेंगे बाही। फिर क्या बताते हैं कि बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट को ले जाही, अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। फिर क्या बताते हैं कि फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये छप्पन भोग कहाँ मन बोरे कि कुरड़ी चरने जाई। तो पुण्यात्मा इसने गा कर सुनाने की बात से, ये तो गाना रोने के हिसाब से है। जैसे बच्चों को पहली कक्षा में सुनाते हैं आ का आम ई की इमली, तो ये तो प्रथम कक्षा के बच्चों को ऐसी आवाज़ सुनाई जाती, इसमें आवाज़ से लिंक नहीं होता, उस अक्षर से संबंध होता है। आ आ से आम, आम कैसा होता है, वो आ अक्षर कैसा है। तो ये व्यवस्था जो गाने में स्वर ने देख करके जो करते हैं, तो वो मूर्ख और भोली आत्मा होती है जिन्हें पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। तो क्या बताया कि नर से ती तू पशुआ की जय और गद्दा बैल बनाई, ये छप्पन भोग कहा मन बोरे कि तो कुरडी चरने जाई। बताया गान की चीज है, ये तो रोण की बातें हैं कि मनुष्य जीवन छूट गया, भक्ति करी नहीं तो गद्दा बैल बनाई। ओए होए, आपकी सुरत, आपकी दृष्टि, सोच चिंतन उस गधे की जीवनी पर जानी चाहिए। भगवान की वाणी, ये दास जब बोलता है नर से तू गधा बनावे गद्दा बैल बनाई, ये छप्पन भोग कहा मन बोरे कि तो कुरडी चढ़ने जाए। आज आप देख कितना सुंदर पवित्र आहार करते हो, हैं रोटी हलवा खीर पूरी, प्यास लगे जो जल पी लें, भूख लगे रोटी खाएं, जब भी इच्छा हो जाती है। तो कहते हैं परमात्मा ने ये सुविधा आपको इसलिए दी है कि आप भक्ति करो परमात्मा की, और उसको ना करके फिर क्या होगा, पीछे तू गद्दा बैल बनाई और ये छप्पन भोग कहा मन भोरे तू कुरडी चढ़ने जाए, तो ये स्थिति हो जाएगी। तो पुण्यात्मा, अब काग बुसड के साथ ये ऐसी ही घटना घटी, चार बातें सीख के गाना सीख लिया और उसके प्रशंसक हो गए कई, जैसे श्रोता आते थे, उसके अंदर अभिमान भर गया। गुरुड़ जी को बता रहा काग बसंत के, एक दिन मैं बैठा था, आसपास मेरे वो भगत प्रशंसक विराजमान थे, गुरु जी आए मंदिर के अंदर भगवान शिव की पूजा करने के लिए, तो मैंने बैठे बैठे प्रणाम कर लिया, उठा नहीं, मैं उठ के उनका सत्कार नहीं किया गुरु जी का, जो एक नियम होता है, और मैंने सोचा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे चेले बैठे हैं आसपास ही, तो खड़ा होऊंगा तो मैंने अपने आप में ना सोच दिया, अभिमान हो गया। तो गुरु जी ने तो इस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनकी तो धुन थी अपनी पूजा करूँ जाके, वो तो मंदिर में भगवान शिव के जो मूर्ति थी वहाँ बैठ के भक्ति करने गया। अपुणात्मा जो दास कथा सुनाना जा रहा है, ये ना समझना कि ये मंदिर की पूजा से उस पुजारी को पंडित को कोई उपलब्धि थी, वो पूजा तो आप कहीं कर लो, घर पर बैठ के कर लो, सच्चे दिल से जिस भी इष्ट की आप पूजा करोगे साधना करोगे, जितनी उस इष्ट की सामर्थ्यता है सामर्थ्य है उतनी मदद आपकी अवश्य करेगा। कबीर साहब कहते हैं जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, और जल सुई मछली चढ़ जाइए बह जाते गजराज। अब जैसे जल ऊपर से गिर रहा है ऐसे झरना टाइप, तो उसके सामने तगड़े से तगड़ा हाथी भी, शक्तिशाली हाथी भी खड़ा हो तो उसको भी वो जल बहा ले जाता है, पटक देता ठाके, और मछली को अलाउड कर रखा उसने तो कितने घूम, क्योंकि वो उससे एक विशेष लगाव रखती है जल से, उसने उसके अपनी सारे नियम तोड़ दिए उसके लिए, वो उल्टी दिशा में भी ऊपर चढ़ जाती है और ऊपर चली जाती है, फाल से भी ऊपर पहुंच जाती है। तो कहने का भाव ये है कि जैसे आपकी मित्रता एक दरोगा जी से होगी और उसके ऑफिस में आप जाकर सीधे बैठ जाओगे, चाय पिलाओगा, खाना खिलाओगा, बर्फी खिलाओगा, और उसके सत्र का जो काम होगा पहला करेगा आपका सबसे पहले, और वहाँ वैसे दरोगा के थाने में जाना आम आदमी की हिम्मत नहीं, और वो उसके लिए एक आम बात होगी। ऐसे ही कोई डीसी से मित्रता किया हुआ तो उस सत्र की, अपने सत्र की जो भी सहयोग सहायता है अपने मित्र को वो डिप्टी कमिश्नर भी देता है,
और इसी प्रकार किसी की मंत्री से जान पहचान है तो मंत्री अपने सत्र का लाभ देगा ही देगा, और जिसकी मुख्यमंत्री से है इसी तरह जानो आगे प्रधानमंत्री से, जिसकी मित्रता होगी तो उसके आगे वह सारी फेल होगी। अब कहते हैं जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, और जल सो ही मछली चढ़ जाए ये बह जाते गजराज। तो भगवान शिव की साधना करता था, सच्चे दिल से करता था, तो भगवान शिव भी कोई छोटी बात नहीं, एक विभागीय मंत्री है इस तीन लोक में काल के एक ब्रह्मांड में। अब जब वो ये पुण्यात्माओं ये कंसेप्ट साथ साथ इसलिए क्लियर करने पड़ते हैं कि आप लोगों के मन में वो पुराना बहुत ज्ञान अड़ा पड़ा है, कति यहाँ तक ठोक रखे हम, अब वो सारा निकालना पड़ा है, रेग मार मार के कति कोने भी साफ करना पड़ता है, कहीं पेंट ठीक ना हो। अच्छा जो पेंटर होता है वो रेग मार बड़ा सावधानी से लगाता है सब जगह, कहीं जंग रह गया तो फिर टिकन नहीं देगा, इस लगा लगा खराब हो जाएगा। जब वो पुजारी पंडित जी ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा में मस्त हो गया, आकाशवाणी हुई भगवान शिव की उस मंदिर में कह रे धुरत कागभूषण, तेरे को 100,000 वर्ष तक नरक में डालूंगा। अब उस गुरुदेव ने भी आकाशवाणी सुनी, वो उस बच्चे को बुला, बेटा क्या गलती कर दी तूने, भगवान तुझसे क्यों अक्षुब्ध हो गए, अरे माफी मांग, अक्षमा याचना कर। अपने आत्माओं कबीर साहब कहते हैं बहुत प्यारा बालक माँ का और उससे बढ़कर शिष्य गुरुओं का, माता पिता को बच्चा कितना प्रिय होता है, और कहते हैं उससे भी 100 गुना कई गुना जो है गुरु को शिष्य प्रिय होता है, क्योंकि वो वचन का पुत्र पुत्री होते हैं उसके और माता पिता के बंद के होते हैं, तो वो अपना मान लेता उस दिन से जिस दिन से वो शरण ग्रहण कर ली, नाम ले लिया, और उस दिन से उसके कल्याण के लिए वो हर तरह से सोचता है कहीं इसको हानि ना हो जाए। तो उस गुरुदेव ने कहा हे परमात्मा हे भगवान, बालक बोला था, कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दो। कहते हैं एक पैर तक यानी लगभग 4 घंटे तक एक पैर तक खड़े रहे, 4 घड़ी का एक पैर होता है उसे, तो एक पैर खड़ा रहा तो फिर प्रार्थना करते रहे, तब आकाशवाणी फिर हुई के जम के लोग चलो रे भाई, हमरा वचन न खा ली जाई। आकाशवाणी में कहा कि जब तू अपने गुरुजी का आदर नहीं कर सकता और मेरी भक्ति कर रहा है तो मेरी के टाट काटेगा तू, यहाँ कर भी एक को बद करेगा। जब पुण्यात्मा एक नियम है मालिक का, परमात्मा कबीर साहब कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नरकये अंध, और महादुखी संसार में आग काल के फंदे। कबीर साहब कहते मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अब जैसे यह दास है और परमात्मा कबीर जी का भेजा हुआ उसका प्रतिनिधि समझो, उनका दास हूँ आपके लिए, इस दास को एज ए कबीर परमेश्वर ट्रीट करना पड़ेगा जब वो राजी होगा, जब वो प्रसन्न होगा, क्योंकि वो भगवान ये दृष्टि रखते हैं कि आज जैसा व्यवहार ये इस मेरे भेजे हुए संत के साथ कर रहा है, अगर मैं इसके स्थान पर होता तो ऐसे ही मेरे साथ ये ऐसा करता। तो क्या बताते हैं, गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल जान लगावे। गुरु को परमात्मा जानकर अपना जीवन सफल करे, और मिले जब दंडवत बंदगी नहीं चिंतन खूब करे। तो क्या बताते हैं, जैसे एक गणित का प्रश्न होता है, जैसे एक गणित का प्रश्न होता है उसमें एक मूलधन ज्ञात करना होता है, और वो मूलधन करोड़ों की राशि का होता है, उस ऋण के उस सवाल में प्रश्न में मूलधन ज्ञात करना पड़ता है। तो सपोज करना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, और मूलधन 100 रुपये माने बिना वो ओरिजिनल मूलधन नहीं मिल सकता,
यानी वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती, वो प्रश्न हल नहीं हो सकता, उसके लिए मानना पड़ता है। मान ले मूलधन 100 रुपये, वो 100 रुपये वास्तव में मूलधन नहीं होता, लेकिन उसके बिना वो वास्तविक मूलधन मिल नहीं सकता कभी नहीं। तो इसलिए ये दास गॉड नहीं है, लेकिन आपने न्यू मान कर रिहर्सल करनी पड़ेगी कि मान लो गुरुजी गॉड, ये समझ लेना पुनः तो। क्योंकि जब आप यहाँ से जाओगे तो आपको त्रिकुटी के ऊपर जहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ से जाने का, और वहाँ से जहाँ भी की जिसने टिकट बनवा रखी है यानी जिस भी देव ईस्ट की साधना वो किए हुए है, वहाँ त्रिकुटी से ही उसका फिर आगे आगे उसी रास्ते से उसके विमान जाएंगे। तो वहाँ जब आप पहुँचोगे ये दास खड़ा दिखाई देगा आपको, परमात्मा इस दास के रूप में वहाँ मिलेंगे। और आपकी जैसी श्रद्धा यहाँ होगी ऐसी वहाँ होगी, ये तो रिहर्सल है, एक ट्रायल है। तो जैसा आपका बर्ताव इस दास के प्रति यहाँ होगा ऐसा ही वहाँ होगा। अब जैसे दास यहाँ खड़ा है बाहर और आप वहाँ बैठे मस्ती मार रहे हो, एक गप्पे कर रहे हो, तो ऐसा ही भाव फिर वहाँ होगा। तो भगवान निकल जाएंगे तो मुड़े गप्पे मारते रह जाओगे। तो जो ही गुरुजी आते हैं आप देखते हो, कोई भी गुरु हैं कहीं पर भी, वो नकली हैं उनके प्रति भी वो ऐसी श्रद्धा रखते हैं जो पुण्यात्मा है, क्योंकि उनका स्वभाव है एक टक दृष्टि रखते हैं जब तक वो आँखों के आसपास रहते हैं। तो ये उनने पिछले जन्मों से अभ्यास कर रखा, जो पुण्यकर्मी प्राणी पिछले जन्मों से आ रहे हैं भक्ति करते हुए, तो ये नियम है, विधान है इस भक्ति का। तो वहाँ जैसा जिसका आपने यहाँ प्रैक्टिकल कर रखा है वो तो वैसा ही वहाँ होगा आपका स्वभाव। तो इसलिए गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करके उसके साथ फिर ऐसा व्यवहार करें, गुरु के सम्मुख वचन नहीं कहे, सोशस रहणी गहणी सुख रहे। तो इस प्रकार जो नियम है, गुरु सम्मुख ले झूठ सजोई, निश्चय नरक पड़े से सु, तो इस तरह की जो परमात्मा ने फाउल पॉइंट बता रखे हैं उन फाउल पॉइंटों से डरे। अब काग भूषण को आकाशवाणी में भगवान शिव ने बताया, किरे निकम्मे व्यक्ति, जब तू अपने गुरु का सत्कार नहीं कर सकता तो मेरा क्या लगा तू, और तुझे नरक में ठोकूंगा। इस संति से दयालु होते उस ब्राह्मण ने, उस पुण्यात्मा ने बार बार प्रार्थना की, हे परमात्मा आप तो दयालु हो, आप तो बख्शनहार हो, बालक है, छोटा बच्चा है, गलती होगी इससे माफ़ करो, अरे क्या कर दिया तू नालायक, बता क्या कर दिया। तब आकाशवाणी में कहा कि ये अपने गुरु का आदर नहीं किया, खड़ा होकर के इसके अंदर अभिमान समा गया था, इसका ये दंड इसको भोगना ही पड़ेगा। फिर बार बार प्रार्थना करने से शिव जी ने कहा कि तेरे गुरु जी की प्रार्थना स्वीकार होती है, लेकिन नरक में तो तुझे जाना ही पड़ेगा, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उस नरक में तुझे यम के दूत दुखी नहीं करेंगे, ये मैं आदेश दे दूँ। अब उसको इतना सहारा मिल गया, उसकी मृत्यु होगी कुछ वर्षों के बाद, नरक में तो जाना ही पड़ा, लेकिन यहाँ के इतनी सुविधा ये दे सकते हैं, जैसे एक मंत्री की कोई जान पहचान हो जाए, होम मिनिस्टर से कोई उसका मित्र हो, रिश्तेदार, और उसकी कैद हो जाती है, अब उसने रहना तो पड़ेगा जेल में, लेकिन रहेगा उड़ा बिल्कुल बटेऊ की तरह, कोई कुछ नहीं दुख दे सकता। तो उस काग भूषण को इतना सहारा तो मिल गया, लेकिन रहना पड़ा उस नरक में। अब जैसे वहाँ नरक में चाहे कुछ भी ना, कोई यम के दूत दूसरे ने पीटे जब कलजा पाटे, और नरक में हाहाकार माच रही, कोई काटे जा रहे हैं, कोई नरक में ठोक रखे हैं, गंद पड़ा, सड़हाँ उठ रही है, रहना वहीं पड़ा। अब दास ये कहना चाहता है इस कथा के द्वारा कि जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं पिछले जन्म मनुष्य जीवन के पाते हुए आ रहे, वो तो भगवान की कथा सुनते ही तुरंत कहीं ना कहीं चिपक जाते हैं, तो उनका स्वभाव है। जैसे दीपक के ऊपर पतंग न चाहते हुए जाकर गिर जाता है, भले ही वो जल जाए लेकिन उसका स्वभाव है, उसको शीतल और उत्तम वस्तु जान कर जाता है। तो जितने भी ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, इन नकली संतों काल के दूतों को एक परम संत धनी जानकर उस दीपक की तरह जा चिपके और 100-100 साल से बैठे वहाँ पर, कोई मन में न्यों ही नहीं आया कि ये नकली आदमी है, इसने कख नहीं पता, ना सतनाम का, ना सतलोक का, ना सचखंड का, और आप भूत बनकर बैठ गया उन पुस्तकों को पढ़ते रहे श्रद्धा से, कि ना जो गुरु जी ने लिख दी वो बिल्कुल सही है। देखो भगत की श्रद्धा ऐसी ही होती है,
और होनी भी चाहिए, ब्लाइंड फेथ होना चाहिए, लेकिन नकलियों ने उनका दुरुपयोग कर लिया, उनके उस श्रद्धा को उन्होंने दुरुपयोग किया और उनका नाश कर दिया। तो इस कारण से ये दास जो बताना चाह रहा है इस कथा के माध्यम से कि पिछले जन्म के जो पुनकर्मी प्राणी मनुष्य जीवन से आए हुए हैं वो तो तुरंत कहीं ना कहीं कोई ना कोई साधन अपनाए हुए हैं और चुप करके अपने लगे हुए, उन्हें संतुष्टि है कि भगवान की साधना कर रहा हूँ और करनी चाहिए, लेकिन शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण करना भी यूजलेस है। अब क्या बताना चाहता दास के जो भक्ति पर नहीं लगते, कितनी बार कहने से भी नहीं लगते, वो प्राणी हैं जो पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन से ना आकर के किसी पशु पक्षी या जड़ योनि वृक्ष आदि की योनि से आए हुए। तो ये गागभूषण बता रहा अपनी सच्चाई कि पिछले जन्म के ना जाने कितने मनुष्य जीवन तो मैंने बर्बाद कर दिए, वो तो कहीं हाथ नहीं लगे, और एक जन्म से मैं स्टार्ट हुआ, मेरे साथ ऐसी भयंकर घटना भी घटनी, फिर भी आत्मा नर्म नहीं हुई इस नीच की, और 6 महीने तक गुरु जी के वचन सुनता रहा फिर भी मन में नाम लेने की प्रेरणा बनी ही नहीं, और फिर भक्ति पर लगा तो यह अकोबद कर दी, या तो वो लगे नहीं, लगेंगे तो मर्यादा नहीं रख सकते, उनमें कोई ना कोई बुरा संस्कार कहीं ना कहीं प्रबल हो ही जाता है। अब फिर भी स्टार्ट होगी किसी ना किसी जन्म से। तो अब दास का कहने का भाव ये है कि जैसे आपका कोई भाई बहन मित्र है वो नाम ना लेना चाहे, तो सत्संग के दौरान हमने अलाउड कर रखा है अन उपदेशी भी आश्रम में प्रवेश कर सकता है और 4 दिन 3 दिन का सत्संग वो सुन सकता है, उसको अवश्य लावे। 1 दिन 2 दिन 10 20 सत्संग सुनकर कभी तो परमात्मा की वरजा होगी उस पर, क्योंकि ये अमृतवाणी है, ये सवसिद्ध वाणी है सुख संवेद की, कबीर परमेश्वर की। जैसे एक किसी को सर्प डस जाता है और वो अचेत पड़ा होता है, एक गारडू एक मंत्र सिद्ध करता है सर्प का विष उतारने वाला, उस मंत्र को बोलता है, एक वाणी होता है, श्लोक सा होता है, उसके बोलने से बार बार बोलने से उस अचेत पड़े व्यक्ति का विष उतर कर वो सचेत हो जाता है, जबकि ना वो सुन रहा है ना उसकी कोई भाषा समझ रहा है ये बोल क्या रहा है। तो इस परमात्मा की ये वाणी इतनी सवसिद्ध है कबीर जी की, परमेश्वर जी की, परमात्मा प्राप्त जितने भी संत हुए हैं जैसे आदरणीय गरीबदास साहेब जी, आदरणीय धर्मदास साहेब जी, आदरणीय नानक साहेब जी, आदरणीय मलुकदास साहेब जी, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब गाँव छुड़ानी जिला दरवाड़े, आदरणीय गीसा दास साहेब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, तो इनका तो दास को पता है कि इनको परमात्मा सीधे मिले और इनको वो ज्ञान अमृत दिया, तो इनकी वाणी में और स्वयं परमेश्वर की वाणी में ये एक सवसिद्ध वाणी है जिससे हमें बहुत ज्ञान यज्ञ का पुण्य मिलता है और आत्मा के ऊपर दुष्कर्मों का जो विष चढ़ा हुआ है वो भी धीरे धीरे हटकर फिर प्रेरणा बन जाती है परमात्मा की भक्ति करने की। तो इसलिए सत्संग में लाना, वो भी आते रहेंगे, उनको ठीक है देर से असर होगा इस कागभूषण की तरह, लेकिन वो कलम चढ़ जाएगी किसी ना किसी युग में और फिर स्टार्ट भक्ति हुई धीरे धीरे सफल भी होगा। कागभूषण बता रहा है कि फिर उसके बाद नरक भोगने के बाद मेरा मनुष्य जीवन हुआ और भक्ति की कुछ पिछले संस्कार से फिर प्रेरणा बनी। एक समय लोमस ऋषि जी कथा कर रहे थे और मैं बन गया वकील, मैं क्रिटिसाइज करने लग गया उसकी। मैंने कहा कि महाराज जी आप तो सरगुण भगवान की कथा सुना रहे हो, हम तो निर्गुण के अधिकारी हैं, हमें तो निर्गुण भगवान के बारे में बताओ। अब कागभूषण को लोमस ऋषि जी ने बहुत कुछ समझाने की चेष्टा की, भाई देखो आम के बीज के अंदर गुठली के अंदर निर्गुण रूप में आम है, आम का पेड़ है। अब उस गुठली को बीज को बीजा जावे जमीन में सिंचाई करे फिर वो पौधा होगा फिर पेड़ होगा फिर उसका फल लगेंगे, वो निर्गुण काम का है कि ये सरगुण। अब कागभूषण ने बोला मेरे समझ में ना आई ये बात, क्योंकि मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट थी और अपनी जान में वकील पा कर रहा था मैं,
थोड़ा बहुत ज्ञान कहीं से सुन के, क्योंकि जो मनुष्य जीवन से दोबारा मनुष्य जीवन प्राप्त है वो प्राणी अवश्य भक्ति के लिए भटकता है। जैसा उसने ज्ञान कहीं कहीं से सुना वो फिर वक्ता हो चुका था। तब लोमस ऋषि ने दो तीन प्रमाण और दिए। भाई कहते हैं शिव के जटा में थी गंगा भाई और भागीरथ ने वह गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, यानी यहाँ प्रगट कर ली। ये निर्गुण हमें नहीं दिखाई देती, वह एक जगह थी, हमारे तो काम आई नहीं, हमारे लिए तो निर्गुण है बिना गुण की। और जब गंगा यहाँ आई तो हमारे लिए तो गुण हो गया इसमें, तो ऐसे समझो। वो क्या बताना चाह रहा था लोमस ऋषि के, परमात्मा ऊपर तो निराकार है और नीचे यहाँ जो राम और श्री कृष्ण रूप में आते हैं तो ये सरगुण है, ऐसे बता रहा था। इनकी यहीं तक सोच है। तो उसने क्या कहा काकभूषण ने कि आप तो वैसे ही कह रहे हो, यानी कुछ ऐसी उठपटांग बात कह दी। तो लोमस ऋषि ने उसको श्राप दे दिया, अरे चंडाल तू ना ज्ञान को सुनता है ना सुनने देता है, तेरा चंडाल का जन्म होगा। अब काकभूषण कहे था मुझे पिछली बात याद आएगी कि मैंने गलत कर दिया, मुझे क्रोध नहीं आया और ऐसे मायूस सा होकर बैठ गया, भगवान बहुत गलती बन गई, मैंने विवाद किया और प्रभु आपका वचन शिरोधारी है, प्रभु दास को कहीं भी जन्म दे देना, चंडाल के देना या किसी के घर देना रिसीवर, पर एक आशीर्वाद दे दो अपने दास को कि मुझे भगवान की भूल ना पड़े। अब लोमस ऋषि शांत होया, भी कोई बात ना, बालक था विवाद कर दिया, मैंने भी गलत श्राप दे दिया। तो उसने कह दिया ठीक से बेटा तुझे भगवान की याद बनी रहेगी। तो काकभूषण कहता कि फिर मेरा जन्म हुआ ब्रह्मा की पत्नी, इनका हंस वाहन है, अपनी हंसनी को लेकर के एक काग चंड के घर गई, यानी गर्भ धारण करवाने के लिए। तो उनके संयोग से हंसनी और काग चंड, काग के संयोग से मेरा जन्म हुआ। तो मेरा बाकी शरीर तो देवता जैसा और मुख है काग जैसा, लेकिन बोलता है मनुष्य की तरह। तो पुण्यात्मा उसके बाद काकभूषण कहता है कि फिर मेरा उद्धार किससे हुआ, एक जोगजीत नाम के एक संत मिले, उन्होंने मुझे परम परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की साधना की जानकारी दी। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और परम शक्ति है काकभूषण, इन आपके विष्णु जी से शक्तिशाली और परमात्मा है, उसकी भक्ति मैं करता हूँ, जिस कारण से ये गति मेरी हुई है, सैकड़ों प्रलय मेरे सामने हो चुकी हैं और इतनी लंबी मेरी आयु हो चुकी है। अब क्या बताते हैं, बुझे गरुड़ भूषण बियाना, मोसे कहो भेद विधि नाना, वचन सुशील दृष्टि अनुरागी, देवता की दे मुख द्वार मुख कागा। अब काकभूषण जी को गुरुड़ जी कह रहे हैं मधुकुर बैन सुनंत हो शांति, कहो भूषण मुझिया की उत्पाती, श्रवण सुमरत वचन उमेदा, दाम रसायन सब तन बेदा, परम भेद कहो बहु भांति, मिटे हमारे मन की कांती, कौन देश को नगर निधाना, कहो भूषण आदि परवाना, कौन पिता को जननी जाम्या, कौन कुली कौन वंश बखाना, अवरण वरण कला परवेसा, तुमरी महिमा कर है शेषा, जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम, इंद्री जीत चढ़े मन से जम, ब्रह्म निरूपण निर्गुण भेखा, कहो भूषण मोहि आद संदेशा, कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूँ परवेसा, शंख कल्प जुग गए बिहाई, पूर्व जन्म की कथा सुनाई, शंख कल्प जुग हो गए जामन मरण जिहान, जन्म पूर्व ला तुझे कहूं सुनो खगे से सुजाने। गरुड़ जी को काकभूषण कह रहे हैं कह भूषण सुनो खगेसा, अर तो से भेद कहूं परवेसा, संख कल्प युग गए बिहाई,
शौंख कल्प तमन बर्बाद कर दिए और पूर्व जन्म की कथा सुनाई। शंख कल्प जुग हो गए जामन मरण जिहान, जन्म पुरबला तुझे कहूँ सुनो खगे सुजान। सुनो गुरुड़ मेरा आद संदेशा, भिन भिन भेद कहूँ खगेसा। शंख जन्म पूरब पैमाला, शंखों जन्म पूरब यानी पहले के पैमाल माने नाश कर दिए। शंखों जन्म पूरब पैमाला और गए जो मिथ्या नहीं संभाला, वो तो मिथ्या गए में संभाल नहीं सका यानी भक्ति ठीक बनी नहीं, मैं स्टार्ट नहीं करी भक्ति। अवधपुरी एक नगर निधाना, जहाँ अवतार धरे मोरे प्राणा। 20 वर्ष की उम्र पुनीता और मात पिता भय काल समीपा। मेरी 20 वर्ष की उम्र थी, मेरे मात पिता और सब परिवार मेरा काल की ग्रास हो गया यानी मर गया। पड़ा काल दुर्भिक्ष ताही और पृथ्वी डोल गई रे बाई। ऐसा भयंकर दुर्भिक्ष गिरा था, अकाल गिरा था कि पृथ्वी भी कांप गई थी, ऐसा हाहाकार मचा था। पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मनुष्य मनुष्य का करे आहारा, अन्न का नहीं आहार प्राणी। पड़ा काल दुर्भिक्ष वानी, अवधपुरी हम तजी खगेसा, ताई आए हम मालू देसा। पूरी अवंती लीना बासा, जावा नहीं अन्न की त्रासा। अन्न तो वहाँ पेट भर खाया, कह भूषण सुनो खगराया। पंडित एक अवंती माही, कथा करण नित शिव द्वारे जाही। सट मास हम संगति की नी, बौर तास की दीक्षा लेनी। टहल करत शिव पंडित केरी, गुरु चेले का भाव गनेरी। स्वामी करण गए असनाना और पूजा अर्पण धूप दयाना। शिव पूजा पंडित अर्थावे, बेल पत्र धरलिंग बनावे। शिव पूजा पंडित करे जहाँ हम लिया निवास, गुरु दीक्षा मन मैं करी मिटी खगेश प्यास। तन मन अर्पे फेर माला, जाके ऊपर ईश दयाला। यानी कागभूषण जी कह रहे हैं कि वो पंडित जी अपने शिव भगवान के ऊपर कति समर्पित था, जिस कारण से भगवान शिव उसके ऊपर पूरी कृपा थी। पूजा करण दिवाले आए, ता हम बैठे दर्शन पाए। जहाँ शिव को मोह दिया सरापा, लाख वर्ष तुम जमपुरी राखा। पंडित सुना बचन शिव केरा, ओठ चरण लीना गुरु केरा। पंडित शिव का दान लगाया, कल्प करी बालक बोराया। ये रे बालक तू धर शिव का धाना, ताते बक्से तेरे प्राणा। तो पुणात्मा आज का जो सत्संग चल रहा है, ये वर्तमान का समागम, ये किस उपलक्ष्य में है? परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं जो परमात्मा के लिए भटक रहे हैं, और उनको फिर तत्व ज्ञान समझाकर सत भक्ति वो 2 अक्षर का मंत्र सतनाम देकर उनका कल्याण करते हैं।